और अब बात कमलनाथ को लेकर चल रहे सस्पेंस की। कमलनाथ का अगला सियासी कदम क्या होगा, इसी को लेकर पिछले 3 दिन से अटकलों का दौर जारी है। चर्चा कमलनाथ के बीजेपी में जाने की है। उनके समर्थक भी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि कमलनाथ का अगला सियासी ठिकाना बीजेपी होगी, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसी अड़चने हैं कि कमलनाथ अब एंटनी फॉर्मूला को चुन सकते हैं, यानी एक एंटनी की तरह कमलनाथ कांग्रेस में रहेंगे और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि सिख दंगों को लेकर कमलनाथ पर कुछ बीजेपी नेता ही सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद से कमलनाथ पर सस्पेंस बना हुआ है कि उनका अगला कदम क्या होगा। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है न्यूज रूम से, आशीष कुमार सिंह, दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नीरज, मतलब ये मामला आपको क्या खबर है, बीजेपी की तरफ से अटका हुआ है क्या? नहीं देखिए, ये जब भी कोई बड़ा नेता किसी दल में जाता है तो उस दल में जाने से पहले बहुत सारे आगे पीछे की चीज़ें तय की जाती हैं, बहुत सारी बातों पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अभी कमलनाथ, चूंकि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बड़े नेता हैं, छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुलनाथ, और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारत कांग्रेस के रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझबूझ कर ली जाती है। अब जैसे कमलनाथ को लेकर तमाम विरोध के स्वर भी भारतीय जनता पार्टी में, सिख बिरादरी में शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अभी जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये हो रहा है कि शायद पहले नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और शायद कमलनाथ इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि वो राजनीति में अब नहीं रहेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे, ऐसी भी चर्चाएं हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, भाजपा के बड़े नेताओं के वो लगातार संपर्क में हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आज दोपहर तक कोई मैसेज आ जाए ज्वाइनिंग का उनके, और दोपहर तक या शाम तक वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो। आप जो बात कह रहे हैं, जरा जल्दी से आशीष का भी रुख कर लेते हैं। मतलब आशीष, सियासी संन्यास ये आखिरी विकल्प बचता है कमलनाथ के सामने, जिसका जिक्र अभी नीरज कर रहे हैं? देखिए, जैसा नीरज कह रहे हैं, ये बात तो सही है कि अभी ये फीडबैक जरूर सोर्सेज से मिल रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही कमलनाथ की ज्वाइनिंग को लेकर के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि नकुलनाथ, क्योंकि पिछली बार आप देखें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली थी एक छिंदवाड़ा छोड़ करके, तो मुझे लगता है नकुलनाथ की ज्वाइनिंग उनके लिए एक सीट का बोनस ही होगा। संभव है, जैसा नीरज भी कह रहे हैं, कि नकुलनाथ की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। कमलनाथ को लेकर के एक मत नहीं है, कमलनाथ के कुछ खुद मध्य प्रदेश के कुछ विधायक भी इसको लेकर का अश्योरेंस चाहते थे कि उनको प्रॉपरली अकोमोडेट किया जाए, उनकी भी पूरी तरह से रजामंदी नहीं हो पाई थी। इस बीच बड़ी खबर जो हमने कल अपने दर्शकों को बताई, 8 सीनियर कांग्रेस लीडर्स की सूची भी कमलनाथ ने बीजेपी लीडरशिप को दी है कि उन पर भी सहमति बना ले। तो मुझे लगता है कई पेचीदगियां हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। अगर सहमति बनेगी तो कमलनाथ जाएंगे, अन्यथा कमलनाथ के उस बयान को हमें रेफर करना चाहिए जो उन्होंने कल बोला जीतू पटवारी के हवाले, कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी और नीरज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।